नाबार्ड स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए उड़ान मेला 2021 शुरू करने वाला है। यह मेला 12 से 14 फरवरी तक शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा। स्वयं सहायता समूह व सूक्ष्म उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड यह मेला करा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों में स्वयं सहायता समूह से लोगों के द्वारा बनाए उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। नाबार्ड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक दिनेश कपिला ने बताया कि नाबार्ड मेला पिछले कई सालों से किया जा रहा है। इसके द्वारा उद्योगों स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिससे नए उभरते समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा। मेले में मशहूर ऊनी हैंडलूम, कुल्लू शॉल, टोपी, जैकेट्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जब लोग इन उत्पादों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो इन लोगों को उत्पादों में सुधार की संभावनाएं रहती हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के चलते इसमें लगभग 20 स्वयं सहायता समूह को आमंत्रित किया है। हिमाचल में 58,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें नाबार्ड इन समूहों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। इस अवसर पर 15,000 स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल तरीके से जोड़ा गया है। इस वर्ष 3,000 समूहों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 2500 करोड़ का लोन बैंक को देने का लक्ष्य रखा गया है। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश, उड़ान मेला 2021 12 से 14 फरवरी पद्म देव कॉम्प्लेक्स द रिज पे करने जा रहा है। माननीय कोऑपरेशन मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी उसमें चीफ गेस्ट होंगे और इनॉग्रेट करेंगे 12 तारीख को। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें 20 स्टॉल लग रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के ही सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओ के मेंबर होंगे जो स्टॉल लगा रहे हैं। हम उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। आप लोग काइंडली उसमें शामिल हों और उसको एनकरेज करें। आपकी मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगी। इस माध्यम से उनको फीडबैक भी जाएगी कि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी या डिज़ाइन अगर इम्प्रूव हो सकते हैं या मॉडिफाई हो सकते हैं, उसको भी उनको सीखने को मिलेगा। तो आप अगर इसकी पब्लिसिटी करेंगे तो हमारे को ये कोशिश रहेगी जो हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स उभर के आ रहे हैं उनको एनकरेजमेंट मिलेगी और वो आगे चल के और इनकम भी कमा पाएंगे। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि 12 से 14 फरवरी के लिए लोगों तक ये जानकारी दे दीजिए ताकि हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेजमेंट मिले। थैंक यू। कोविड के चलते जी हमने इसको ज़रा साइज़ को रिड्यूस किया है क्योंकि फिर लोग ज़्यादा हो जाते, तो हमने 20 स्टॉल्स लगाए। लास्ट ईयर तो हमने करीब 40 थे विद कोऑपरेशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा रीजनल ऑफिस ऑफ नाबार्ड एंड जम्मू कश्मीर। इस बार हमने हिमाचल का ही रखा है एंड 20 तक सीमित रखा है ताकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस या जो प्रिकॉशंस एक होते हैं जनरल नेचर के, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, SOPs वगैरह को सब। इसमें फूड, स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तीनों ही शामिल होंगे। ऑर्गेनिक भी होगा और हैंडलूम भी होगा। तो ये सारा एक वाइड रेंज होगा, जरूर शामिल हों और काइंडली आइए। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में ऊन का काम होता है और आपके यहाँ बहुत सारे लोग ऊन के काम में लगे हुए हैं और विदेशों में इसकी बहुत पहुँच भी है और बहुत लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो हमारे गांव से जब लोग लेके आए तो एक आध जैकेट वैकेट खरीदिए, टोपी खरीदिए, शॉल खरीदिए और बताइए कि भाई साहब ये हमारे हिमाचल प्राउडली पहनिए और ये इसका पैसा सीधे गाँव में जाएगा। आप ये ध्यान रखिए, जो भी आप खर्च करेंगे यहाँ और जो भी खरीदेंगे, एक एक पैसा गाँव के घर तक जाएगा, तो इसलिए थोड़ा इसको बढ़ाइए। प्यार टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।